मॉर्निंग एवरीवन। ओके जी, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं हमारी नोज़। ठीक है जी, तो आपका ENT में नोज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और इसमें से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको साथ साथ बताती जाऊँगी कि क्या है, और वो हम कवर भी करेंगे। और जो दूसरे टॉपिक्स होंगे लाइक बाकी हैं, उनमें भी मैं आपको बताऊँगी कि उनमें से किस किस्म के सवाल आते हैं और उनको कितना करना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम द एनाटॉमी ऑफ नोज़, क्योंकि आपको एनाटॉमी समझ आएगी तो ही आपको आप समझ सकेंगे कि बाकी हमारे इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है, सो ये आपको पिक्चर जैसे नज़र आ रही है कि हमने सबसे पहले देखा है कि एक्सटर्नल नोज़ किस तरह की अपेयर होती है, तो आपको नज़र आ रहा है कि ये एक्चुअली बोन और कार्टिलेज का एक फ्रेमवर्क होती है। सारी की सारी नोज़ आपकी बोनी नहीं होती, पीछे से आपकी बोन होती है और आगे से इसका कार्टिलेजिनस फ्रेमवर्क होता है। इस वजह से इसको ऑस्टियो कार्टिलेजिनस फ्रेमवर्क कहते हैं, और पिरामिड शेप की ऐसी आपकी नोज की जो शेप है जनरल वो पिरामिड शेप होती है। एंड उसके साथ हमारे पास जो जो कुछ एक्सटर्नल फीचर्स आपको नज़र आ रहे हैं सी, ये आपका जो लाइन सी है, दिस इज़ योर टीयर ट्रफ, यानी इधर से आपका ये आंसू के गिरने का रास्ता होता है बेसिकली। दिस इज़ योर, ये जो आपको नज़र आ रही है ये आपकी सुपीरियर एलर क्रीज है। मैं आपको बताऊँगी कि यहाँ पर कौन कौन से कार्टिलेजेस होते हैं, उससे आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा। ये आपकी नोज़ की जो टिप्स हैं, मतलब ये आपकी मेन टिप होती है और साइड पे टिप डिफाइनिंग पॉइंट्स हैं। ये आपके नेयर्स या नॉस्ट्रल है, एंड दरमियान में दिस इज़ योर योर फिल्ट्रम। ठीक है, अब थोड़ा सा नीचे अगर देखें इस पिक्चर में, सो देखें ये वाला जो हमारा माथे का पॉइंटेड सेंटर एक ग्लैबेला आ गया, फिर जो कंस्ट्रक्शन है बिटवीन दिस एंड दिस, यानी जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, उसे हम मेजियन कहते हैं। ठीक है, नेजियन के बाद यहाँ पर हमारे पास ये सारा एरिया नेजल ब्रिज है, अगर बाहर से हम देखें। ठीक है, एक्सटर्नल एनाटॉमी की बात कर रहे हैं, और हल्की सी बीच में डिप्रेशन आती है और फिर दोबारा से ये ऐसे आगे कंटिन्यू करते हैं, तो उस हल्की सी डिप्रेशन को हम कहते हैं सुपरा टिप ब्रेक। नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट कि आप याद रखें, ठीक है। और फिर यहाँ पर इंफ्रा टिप ब्रेक, ये मतलब ज़्यादा डिटेल बातें हैं इतनी ना भी, तो इट्स फाइन। और ये जो आपका नोज और जो आपके इसके बाद लिप्स आने वाले होते हैं उनका दरमियान जो एंगल बनता है उसे नेजियो लेबियल एंगल कहते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास अब इस पोर्शन में हम देखें तो ये हमारे वही टिप डिफाइनिंग पॉइंट्स आ जाते हैं। देन वी हैव सेंटर में ये आपका इधर इस वाले पोर्शन को लैमेला कहते हैं, जनरली हमने इसको फिल्ट्रम कहा था। ठीक है, और स्पेशली बिकॉज अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये वाला जो सिर्फ पोर्शन होता है इसको हम कोलेमेला कहते हैं, बिकॉज ये आपका आगे वाला होता है, इसके बाद आपका थोड़ा डिफरेंट आता है और फिर आपका कार्टिलेज शुरू हो जाता है। एंड देन आपका ये तो नोस्ट्रेल है आपका, ठीक है, एंड एलर फेशियल ग्रूव के जहाँ पर आपका एलर कार्टिलेज खत्म होकर आपका फेस स्टार्ट हो गया, हल्की सी लाइन जो कि एलर फेशियल ग्रूव है। ठीक है, देन अब हम देखते हैं कि इसका कार्टिलेजिनस पोर्शन कैसा है। अब आपकी जो नोज़ है ना, बेसिकली वो मिलके बनी हुई है कुछ बोन से, मैंने आपको बताया, कुछ कार्टिलेज से, जो कार्टिलेजेस इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब आपको पता है कि हमारी नोज़ में हम जनरली देखें तो दरमियान में एक पार्टीशन थी, जिस तरह मैंने आपको दिखाया, जो हमारा नेजल सेप्टम होता है और साइड्स पे दो आपके एलाज होते हैं। ठीक है, एला का मतलब होता है कि एला को जनरली हम ना फेदर्स के लिए एक दूसरा वर्ड आप समझने इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह पर होते हैं ना फैले हुए, उस तरह दरमियान में आप देखें ना ऐसे नोज़ का सेप्टम होता है और साइड पे उसके दो ऐसे फैले हुए पर होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हमने नोज़ को सेंटर को सेप्टम और साइड को एला कहा है। अब उसी पर जो कार्टिलेजेस फिक्स हो रहे हैं उनको हमने उस हिसाब से नाम दिया है। ठीक है, सबसे पहले आप देखें यहाँ पर जो येलो वाली है, पीछे मैंने आपको बताया था जो पोस्टीरियर 1/3 ऑफ नोज़ है वो बोनी है, एंड दैट इज़ योर नेजल बोन। ठीक है, ये राइट पे भी होती है, लेफ्ट पे भी होती है, और इधर देखें कि ये राइट साइड की नेजल बोन है और उससे पीछे आपकी सारी मैक्सिला है। आपको पता है ना कि आपकी बोन जो आपके इधर आपकी बिल्कुल नोज़ के साइड पे जो आपकी बोन होती है, दैट इज़ योर मैक्सिलरी बोन। ठीक है, यानी आपके फेस पे जो आपकी नोज़ की साइड्स पे बोन आ रही है वो आपकी मैक्सिलरी बोन है। तो इसलिए आप देखें कि नेजल बोन सिर्फ ऊपर ऊपर के पोर्शन में राइट साइड पे भी होती है, लेफ्ट पे भी होती है, और उसके पीछे ये जो आपको पिंक वाली है ये सारी मैक्सिला है। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद ये तो इसके दोनों बोनी पोर्शंस हैं, ये बोनी है, इसके आगे सारा ये कार्टिलेजिनस पोर्शन शुरू हो जाता है। ठीक है, अब कार्टिलेजिनस में ये जो आपको पतली ब्लू कलर की लाइन नज़र आ रही है सबसे ऊपर, दिस इज़ योर सेप्टल कार्टिलेज। ठीक है, ये आपका सेप्टल कार्टिलेज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो डेविएटेड नेजल सेप्टम होता है ना उसमें सबसे ज़्यादा सेप्टल कार्टिलेज इन्वॉल्व होता है, इसको आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद आपका ये जो ग्रीन वाला आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ योर एलर कार्टिलेजेस। ठीक है, ये आपका एलर कार्टिलेज होता है। उसके बाद आपका ये जो पर्पल है, दिस इज़ योर ग्रीन वाला इज़ लैटरल कार्टिलेज और पर्पल वाला इज़ योर एलर कार्टिलेज या मेजर एलर कार्टिलेज। ठीक है, कुछ लोग इसको एलर कहते हैं, कुछ मेजर एलर कहते हैं, और जो पीछे ज़रा सा है डार्क पिंक सा, ये माइनर एलर कार्टिलेज है। ठीक है, तो आपका इतना सारा जो पोर्शन है नोज़ का, ये सारा दिस इज़ योर कार्टिलेजिनस पोर्शन ऑफ नोज़। ठीक है, इसमें बस चार ही तरह के कार्टिलेज, सेप्टल, ग्रीन वाला आ गया लैटरल, मेजर एलर एंड माइनर एलर। खाली भी कोई एलर लिखा होगा तो वो पर्पल वाले के लिए होगा। और नीचे फिर सबसे नीचे आपको यहाँ पर आ जाता है ये फाइब्रोफैटिक टिश्यू। ठीक हो गया, तो ये बहुत सिंपली आपका नोज़ का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, आपको आना चाहिए, क्योंकि आपको इसी की वजह से
सारी आपकी अंदर की जो भी चीज़ें हैं वो समझ आएंगी। अब देखते हैं नोज़ में मसल्स कौन से होते हैं। अच्छा कह रहे थे आपका जो नेजल मस्कुलेचर है कि नोज़ में कौन कौन से मसल्स होते हैं, जाहिर सी बात है आपका सारा कार्टिलेज मसल्स वगैरह से कवर हुआ हुआ होता है, सो दैट आराम से आपके सारे इस एरिया की मूवमेंट्स हो सके। ये आपकी फेशियल मसल्स का पार्ट है, ठीक है। मैं वैसे आपको बता रही हूँ कि आपका सबसे ऊपर देखिए प्रोसरस मसल है, ये आपकी जाके इसका अटैचमेंट होती है फोर हेड पे, यानी ग्लैबेला वाले पोर्शन से थोड़ी सी ऊपर, और ये ऐसे ऊपर की तरफ खींचता है हल्का सा, ठीक है। फिर आपका ये नीचे देखेंगे तो ये डिप्रेसर सेप्टाई है, ये एक तरफ आपकी इधर टीथ से जो ऊपर बोनी पोर्शन है यानी आपका जो मैक्सिलरी पोर्शन है उधर अटैच है, और ऊपर जाके नोज के साथ अटैच है। इसकी वजह से नोज नीचे डिप्रेस होती है, आप अगर अपनी नाक को नीचे करते हैं ना तो वो इसकी मसल की वजह से करते हैं। फिर आपके पास ये वाला जो मसल साइड पे आपको नजर आ रहा है मेन, ये नेजेलिस मसल है, ठीक है। ये नेजेलिस जो मसल है इसके दो पोर्शंस होते हैं, ये वाला जो एला पे है दिस इज योर एलर पोर्शन, और ये जो ऊपर एपोनरोसिस बना रहा है ये ट्रांसवर्स पोर्शन ऑफ नेजेलिस मसल है। तो ये जो आपका नेजेलिस मसल है बेसिकली ये आपके इन दो पोर्शंस के कंप्राइज किया हुआ होता है, और इसके अलावा आपके डायलेटर नेरीज और जो डायलेटर नेरीज होते हैं जिनकी वजह से आपका जब कहते हैं ना कि ऐसे नोज ज़्यादा वाइडली ओपन होती है जब आप जैसे सांस बाहर निकालते हैं, तो वो डायलेटर नेरीज की वजह से होते हैं। तो ये आपके जनरल सा नेजल मस्कुलेचर है। एंड नाउ विल गो फॉर द इंटरनल नोज। ओके गाइस, स्टार्टिंग अप विद द नेजल कैविटी। अब हमारे पास जो नेजल कैविटी है, जिस तरह आपको पता है कि वो डिवाइडेड होती है, एक राइट आपका नेजल कैविटी होती है, एक लेफ्ट साइड पे नेजल कैविटी होती है, और दरमियान में एक सेप्टम होता है, ठीक है। अब उसमें आपकी जो नेजल कैविटी है उसमें भी फिर हम देखते हैं कि वो इंटीरियरली जो है वो कम्युनिकेट कर रही होती है विद इट्स ये जो नेरीज या नॉस्ट्रल होते हैं थ्रू द विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और पोस्टीरियरली ये आपका यहाँ से नेजो फेरिंग्स शुरू हो जाता है, ये पूरी आपकी नेजल कैविटी दरमियान में, और यहाँ से आपका नेजो फेरिंग्स का पोर्शन शुरू हो जाता है, और नेजो फेरिंग्स से जो चीज़ नेजल कैविटी कम्युनिकेट कर रही होती है उसको हम कहते हैं कॉर्ना, ठीक है जी, उसको हम कॉर्ना कहते हैं। और उसके बाद ये यानी ये वाला पोर्शन कॉर्ना है, एंड ये आपका फिर नेजो फेरिंग्स इससे पीछे शुरू हो जाता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो हमारी नेजल कैविटी प्रॉपर है, जाहिर है उसकी एक मीडियल वॉल होती है, एक लैटरल वॉल होती है। मीडियल वॉल वो है जो सेप्टम वाली वॉल है, और लैटरल वॉल वो है जो आपको नजर आ रही है इस जगह पर, ये आपकी लैटरल वॉल ऑफ नेजल कैविटी शो हुई हुई है। और उसमें भी पूरी मतलब मीडियल लैटरल वॉल मिला के हम दो पोर्शन में उसको डिवाइड करते हैं। इंटीरियर मोस्ट पोर्शन ये वाला होता है जो ब्लू सा आपको दिखाया हुआ है, दिस इज द वेस्टिब्यूल, ये स्किन लाइंड पोर्शन होता है, इसमें स्किन है। और पीछे ये जो सारा का सारा पोर्शन है दिस इज योर म्यूकोजा लाइंड पोर्शन, और इसको हम कहते हैं नेजल कैविटी प्रॉपर, ठीक है। अच्छा, अब हम सबसे पहले थोड़ी सी वेस्टिब्यूल के बारे में अगर बात करें, तो वेस्टिब्यूल सिर्फ इंटीरियर एंड इन्फीरियर पोर्शन बना रहा है, देखें कितना थोड़ा सा नेजल कैविटी का, और बेसिकली ये स्किन लाइंड पोर्शन होता है जो आपको नजर भी आता है आगे से, और इसमें आपको देखा होगा हेयर भी ग्रो हुए हुए होते हैं, इसमें सेबेशियस ग्लैंड्स भी होते हैं, और जाहिर सी बात है इसमें हेयर सेल्स भी होते हैं जिनको हम विब्रिसी कहते हैं, छोटे छोटे जो हेयर्स होते हैं ना उनको विब्रिसी कहते हैं। उसके बाद इसकी जो अपर लिमिट है यानी ये जो बैक पोर्शन इसका मार्क किया होता है वहाँ पर एक हल्का सा वैल्व होता है, यहाँ इस डायग्राम में शो नहीं किया, उसको हम लाइमेन नेजाए कहते हैं, ठीक है, ये नेजल वैल्व। अब हमारे पास अगली मेन चीज़ आती है इससे पीछे, ये नेजल कैविटी प्रॉपर, ठीक है, ये जो सारी की सारी आपकी नेजल कैविटी है लेजन कैविटी प्रॉपर है। लाइमेन नेजाए का नाम आपने याद रखना, मैंने आपको बताया ना कि हमारे पास जहाँ पर वेस्टिब्यूल पीछे जा रहा है वो आपका नेजल कैविटी, सॉरी जहाँ पर आपका वेस्टिब्यूल एंड हो रहा है और आपकी नेजल कैविटी प्रॉपर शुरू हो जाती है उस जगह को हम लाइमेन नेजाए कहते हैं, ठीक है, ये आपके एमसीक्यू में आता होता है। अब आपके पास जो नेजल कैविटी प्रॉपर है, जाहिर सी बात है कि उसकी एक लैटरल वॉल है, लैटरल वॉल में बताया आपको शो हो रही है, मीडियल वॉल वो है जो सेप्टम की वजह से बन रही है, उसका एक रूफ होगा और उसका एक फ्लोर होगा। अब पहले है जिस तरह मैंने आपको यहाँ पर दिखाई भी है कि लैटरल नेजल वॉल, तो हम लैटरल नेजल वॉल से ही अपनी कहानी को शुरू करते हैं। तो लैटरल नेजल वॉल में एज हमें नज़र आ रहा है कि इसके ना दो तीन ऐसे बोनी आप समझे कि वो प्रोजेक्शन आई हुई होती हैं आगे, ठीक है, एक प्रोजेक्शन दूसरी प्रोजेक्शन और तीसरी प्रोजेक्शन। आपने अपनी एनाटॉमी में भी ये बात बहुत डिटेल में पढ़ी होगी, अभी मैं सिर्फ रिविजन करा रही, इसमें बहुत बहुत ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगी इस पर। तो हमारे पास क्या सिलसिला है कि सबसे आप ऊपर जो ग्रीन वाला है दिस इज योर सुपीरियर नेजल कॉर्न का, दरमियान में जो व्हाइट्स है दिस इज मिडल नेजल कॉर्न का, और नीचे ये जो है आपका इन्फीरियर नेजल कॉर्न का। ये कॉर्न के क्या है ये आप समझ लें कि अगर ऐसे मेरे पास ये पूरी बोनी वॉल है ना लैटरल वॉल, तो उसके आगे पहले एक इस तरह से आगे प्रोजेक्शन आई हुई है, फिर थोड़े से रास्ते के बाद फिर दूसरी प्रोजेक्शन इस तरह आगे आई हुई है, और फिर थोड़े से रास्ते के बाद फिर तीसरी एक प्रोजेक्शन इस तरह आगे आई हुई है। तो तीन प्रोजेक्शन होती है ना ये आपके बेसिकली कॉनकेव बन रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इन कॉनका के नीचे ही कॉनका पीछे बोन से अटैच नहीं होते, जिस तरह आप समझे कि अगर ये मेरी मैंने बताया लेटरल वॉल है और इसके आगे मैं ऐसे करके एक प्रोजेक्शन बना दूं, तो वो ज़ाहिर है आगे आई भी ज़रूर है लेकिन पीछे वाली वॉल अपनी जगह पर है। तो पीछे वाली वॉल में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स, बहुत सारी ओपनिंग्स होती हैं जो इनके पीछे होती हैं, और उनको हम
अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद योर इन्फीरियर नेजल कॉर्न का। इन्फीरियर नेजल कॉर्न का जो बोन है ना, ये बोन ही होती है। आपके पता है लैटरल नेजल वॉल भी आपकी जो है वो बोन से बनी हुई है। मैंने आपको अभी दिखाया था ना कि मैगजिला था मेनली, और आगे की तरफ थोड़ा सा कार्टिलेज भी था। तो बहरहाल जो आपकी लैटरल, ये जो इन्फीरियर नेजल कॉर्न का ये जो बोन है, ये एक पूरी अलग से बोन होती है। लाइक इन्फीरियर नेजल कॉर्न का इज़ अ सेपरेट बोन, ये किसी और बोन का पार्ट नहीं होती है। आपने ये बात याद रखनी है, ठीक है? दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। उसके बाद अच्छा ओके, इन्फीरियर नेजल कॉर्न का जो है वो आपकी, और इसको कॉन्कों को ना टर्बिनेट्स भी कहते हैं, ये बात भी आपने अपने जहन में रखनी है। मतलब इन्फीरियर नेजल कॉर्न का या इन्फीरियर टर्बिनेट एक ही बात है। उसके बाद हमारे पास अगली चीज़ आती है कि इसमें आपकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ ओपन होती है, मैंने बताया ना इसके पीछे आपका इन्फीरियर मिएटस होगा। हर कॉन्का के पीछे एक मिएटस होता है। लाइक ये जो कॉन्का के पीछे जो आपकी लैटर वॉल ऑफ नोज होती है उसे हम मिएटस कहते हैं। तो आपका जो इन्फीरियर कॉन्का के पीछे मिएटस का पोर्शन होता है, उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ ओपन होती है वो आपकी है नेजो लैक्रिमल डक्ट। आपको याद होगा कि आपका जो आए वाला था सिलसिला, जब आपने पढ़ा था तो आपने पढ़ा था ऐसे करके, एक सेकेंड इधर मैं अगर बनाऊँ, ऐसे आए थी और आए में से जो आंसू बनाने वाला सिस्टम था उसका एक पूरा ड्रेनेज का सिस्टम था। नेजो लैक्रिमल पूरा ग्लैंड था और फिर वो ऐसे पूरी ट्यूब सी बनी हुई नीचे आती थी, और हमने कहा था ये जाके नोज में ड्रेन कर जाती है। आप बोलते हैं जब आपको आंसू आते हैं तो साथ ही आपकी नाक भी बहने लग जाती है, उसकी वजह होता है कि आपके आंसू कुछ जो है वो आपकी नाक में आके ड्रेन करते हैं इंटू नेजो लैक्रिमल डक्ट, और वो डक्ट ओपन होती है बिहाइंड इन्फीरियर टर्बिनेट इंटू इन्फीरियर मिएटस। ठीक है, आपने याद रखनी है, ये ओपनिंग्स पूछी जाती है एमसीक्यू में, वाइवा में, तो आपने याद रखना है कि नेजो लैक्रिमल डक्ट की ओपनिंग है इन्फीरियर मिएटस में। अब आगे जो है मैं आपको अगली वीडियो में बताती हूँ। अभी तक कोई भी मसला हो, थैंक यू।